ले आओ आगे पकड़ लो। बोकारो के चास थाना अंतर्गत लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले चार शातिर अपराधियों को चास पुलिस ने धर दबोचा है। गिरफ्तार अपराधी चास के शांतिनगर में एक किराए के मकान में रहकर लोगों को लोन दिलाने के नाम पर ठगी का काम करते थे। चास SDPO प्रवीण कुमार ने बताया कि ये लोग सिंडिकेट बनाकर लोगों को लोन दिलाने के नाम पर उनसे पैन कार्ड, आधार कार्ड लेते थे और पासबुक बनवाकर अपने पास रख उसकी डिटेल्स साइबर क्रिमिनल को ट्रांसफ़र कर देते थे और ठगी करते थे। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम गठित कर उक्त किराए के मकान पर छापेमारी की गई, जहां से मास्टरमाइंड अविनाश कुमार और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया, जिसके निशानदेही पर दो अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। SDPO ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से इसकी शिकायत मिल रही थी, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद कार्रवाई की गई और इन अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह सभी बोकारो जिले के ही हैं, इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। पदाधिकारी से गुप्त एवं विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग ठगी का काम कर रहे हैं। तदनुसार चास थाना के प्रभारी खुर्शीद जी और संदीप कुमार सब इंस्पेक्टर, अजय कुमार सिंह सब इंस्पेक्टर और प्रभात किरण कोकी एसआई के नेतृत्व का एक छापामारी दल का गठन किया गया और छापेमारी करने के बाद चार अभियुक्त को पकड़ा गया। अविनाश कुमार, रवि कुमार साहनी, राहुल सिंह और गोलू कुमार। ये लोग का मोडस ऑपरेंडी ऐसा है कि ये ठगी का काम करते थे, लोगों से पैन कार्ड लेते थे, आधार कार्ड लेते थे और लोन दिलाने के नाम पर पासबुक बनाते थे और उसको फिर अपने पास रखते थे और साइबर क्रिमिनल को उसको ट्रांसफ़र कर देते थे ताकि वो साइबर ठगी का काम कर सके। और इनके पजेशन से मोबाइल 5 पीस, बैंक पासबुक 12 पीस, ATM 43 पीस, बैंक चेकबुक 6 पीस, पैन कार्ड 8 पीस, सिम कार्ड 18 पीस और दस्तावेज बरामद किया गया है और चास थाना कांड संख्या 55/24 दर्ज किया गया है और अनुसंधान जारी। ये अविनाश कुमार का क्रिमिनल हिस्ट्री है, इनके विरुद्ध सेक्टर 4 थाना में भी है और आन थाना में भी है, इनके 3 केस में नामजद अभियुक्त रहे हैं। सारे लोग बोकारो के रहने वाले हैं। अविनाश कुमार बोकारो के हैं, बेरमो के हैं, रवि कुमार साहनी, राहुल सिंह बालेडी के हैं और गोलू कुमार चास के। इसके जो मास्टर माइंड है अविनाश कुमार, वो तो ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं और अनुसंधान के क्रम में और कुछ तथ्य आएंगे तो उसके आधार पर। ये लोग एक अपना सिंडिकेट बनाए हुए थे, लोगों से संपर्क करते थे और लोन दिलाने के नाम पर उनसे भोले गरीब लोगों से, भोले वाले लोगों से ITM कार्ड, आधार कार्ड ले लेते थे, पैन कार्ड ले लेते थे और ये 10,000 रुपया देते थे, 10,000 रुपया लोन दिलाने के नाम पे अपने सदस्य को देते थे और साइबर क्रिमिनल को 15,000 रुपया में बेच देते थे पासबुक, ताकि उनके पास डिटेल सारा रहे और ठगी का काम कर सके। देखते रहिए IDD मीडिया। हम लेकर क्या है आपके लिए पॉलिटिकल पिच, जिसमें आप देखेंगे नेताओं की, राजनेताओं के चौवे और छक्के। साथ में मिलेगा आपको बाउंसर के अलावा नेताओं की गुगली भी। IDD न्यूज में आपका स्वागत है। हम लेकर आ रहे हैं पॉलिटिकल पिच। हम आपको नेताओं से मिलवाएंगे, वो रखेंगे अपनी बात जनता के सामने। अलग अलग नेताओं से मिलेंगे और उनके बारे में जानेंगे। बने रहें IDD मीडिया के साथ।